बीजेपी ने योगी को हराया, जीत लिया जनता का दिल, फेल हो गए सीएम योगी। चार बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड सेट करने वाली मायावती बहन जी के नाम से जानी जाती है, जो जनता के दिलों पर राज करती है और ये बात वो हर बार साबित भी कर देती है। हर जाति धर्म के लोग उन्हें इतना पसंद करते हैं कि उनके कार्यकाल को भी खूब याद किया जाता है। अब देखिए ना, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, जिनका भौकाल पूरे देश में देखने को मिलता है, अब मायावती ने उन्हें भी पीछे छोड़ दिया है। चलिए आपको भी बताते हैं किस मामले में योगी मायावती के सामने हार गए हैं। अब देखिए, मायावती भी यूपी की मुख्यमंत्री रह चुकी है, उस वक्त खूब नाम हुआ था उनका, और अभी यूपी के सीएम रहते हुए योगी आदित्यनाथ भी खूब नाम कमा रहे हैं। तो ऐसे में हमने अपने चैनल न्यूज एक्सप्रेस पर एक पोल डाला और जनता के सामने सवाल रखा कि सबसे अच्छा मुख्यमंत्री कौन, मायावती या योगी आदित्यनाथ, जिस पर 58% लोगों का मानना था कि मायावती सबसे अच्छी मुख्यमंत्री रही है और 42% लोगों ने सीएम योगी को वोट दिया, यानी मायावती को सबसे ज्यादा वोट मिला और योगी हार गए। यही नहीं, लगातार जनता भी मायावती के लिए वोट कर रही थी। कुछ कमेंट्स आप देख सकते हैं, लगातार एक के बाद एक लोग मायावती का नाम ले रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को आज लोग खूब पसंद करते हैं, लेकिन जिस तरह से मायावती के राज को लोगों ने ज्यादा पसंद किया है, उससे तो यही लगता है कि मायावती जनता के दिलों पर आज भी राज करती है। बात की जाए मायावती की, तो उन्होंने 4 बार सीएम बनने का रिकॉर्ड भी सेट किया था, जहां वो सबसे ज्यादा बार सीएम बन चुकी है। मायावती पहली बार जून 1995 में एसपी के साथ गठबंधन तोड़कर बीजेपी और अन्य दलों के बाहरी समर्थन से मुख्यमंत्री बनी थी। फिर दूसरी बार 1997 और तीसरी बार 2002 में मुख्यमंत्री बनी और चौथी बार 2007 में वो मुख्यमंत्री रही थी। बता दें, मायावती का दलित वोट बैंक काफी ज्यादा स्ट्रांग है। फिलहाल मायावती किसी पार्टी के साथ नहीं है, उन्होंने अकेले ही चुनाव लड़ने का फैसला किया है। उनके 2024 के प्लान के बारे में भी आपको बता देते हैं। मायावती का प्लान 2024 में बसपा ने कमर कस ली है, जहां बसपा का मास्टर प्लान है युवा। मायावती अपनी पार्टी में युवाओं को जोड़ेंगी। बता दें, पिछली बार बसपा ने युवाओं को खास जिम्मेदारी नहीं दी थी, जिसके बाद इसका परिणाम सही नहीं रहा, इसीलिए इस बार बसपा ये गलती दोहराएगी नहीं और इस बार युवाओं को बूथ से लेकर विधानसभा स्तर तक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां देने के निर्देश दिए गए हैं। और ऐसा इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि बसपा के पास युवा वोटरों की तादाद लगातार बढ़ रही है। इतना ही नहीं, मायावती ने 1 लाख गांव तक पहुंचने का टारगेट भी सेट किया है, जहां स्लोगन दिया है हर बूथ पर 100 यूथ जोड़ेंगे। 3 दिन में यह अभियान गांव-गांव शुरू हो चुका है। 3 महीने तक बसपा का कोर कैडर यूथ को पार्टी से जोड़ने का काम करेगा। फिलहाल मायावती का साथ विपक्ष चाहता है, क्योंकि इन दोनों विपक्षी एकता की बातें भी खूब हो रही है, लेकिन मायावती अकेले ही लड़ना चाहती है। अब देखना होगा कि जिस तरह से मायावती ने जनता का दिल जीता है, क्या उस तरह से वो 2024 में जनता का दिल जीत पाती है या नहीं। आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।